की मायक्रोसॉफ्टच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड झाल्याकारणाने आपण बघतोय, फाल्कन नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे, त्यात बिघाड झाल्याकारणाने जगभरातील विमानसेवेवरती मोठा परिणाम झालेला आहे, कारण तुम्ही ऑनलाईन तिकीट बुकिंग करू शकत नाही, बोर्डिंग पास तुम्हाला लवकर मिळत नाही, सगळ्याच गोष्टींमध्ये अडथळा निर्माण होताना दिसतोय. अधिक तपशील आपण जाणून घेणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी विवेक गुप्ता आता क्षणाला मुंबई विमानतळाच्या बाहेर आहेत. विवेक, काय परिस्थिती आहे? कारण असं कळतं आहे आता की एक एक करत प्रवासी हे विमानतळावरती पोहोचत आहेत आणि आता गर्दी व्हायला लागली आहे. बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट में जो मालवेयर और जो वायरस है उसे रोकने के लिए जो क्लाउड स्ट्राइक है उसे जब अपग्रेड किया जा रहा था तभी ये ग्लिच आई है, और ग्लिच आने की वजह से हिंदुस्तान नहीं बल्कि देश के तमाम दुनिया के तमाम एयरलाइंस हैं उन पर ये बड़ा इफेक्ट पड़ा है. अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें तो उसमें जितने भी एयरलाइंस हैं, इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा, जितने भी बड़े एयरलाइंस हैं सारे के सारे ऑपरेशन अब मैनुअल मोड में चल गए हैं. इस समय हम मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2 पे खड़े हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लंबी लंबी कतारें हैं वो बोर्डिंग पास लेने के लिए यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि बोर्डिंग पास जो है वो मैनुअली ऑपरेट किया जा रहा है, क्योंकि सिस्टम जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि बिना बोर्डिंग के वो लोग अपने फ्लाइट में जा नहीं सकते हैं. इसलिए बाकायदा हर एक पैसेंजर की जो बोर्डिंग पास है वो जो ऑटोमेटिक मशीन से जनरेट होकर आते थे, जो सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट से जनरेट होकर आते थे, अब सारे के सारे जो बोर्डिंग पास हैं वो हाथ से बनाने पड़ रहे हैं. यानी कि जो भी वो चेकिंग होगी और जो भी बोर्डिंग पास बन रहे हैं वो सब हाथ से बने हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को अपनी फ्लाइट के लिए बहुत देर तक खड़ा और इंतज़ार करना पड़ रहा है. आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की देरी से चल रही है. ये स्थिति सिर्फ एयरलाइंस की नहीं बल्कि जितने तमाम IT सेक्टर के जो ऑफिस हैं या फिर एयरलाइंस के ऑफिस हैं और तो तमाम टेलीकॉम कंपनीज हैं उन सबको ये परेशानी उठानी पड़ रही है. विशाल, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आउटेज है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सी सेवाएँ को इम्पैक्ट हुआ है. लेकिन जो मेन दिक्कत जो है जो पैसेंजर्स हैं वो एयरलाइंस के पैसेंजर्स को हो रही है. मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, पुणे, गोवा, बेंगलोर और देश भर में जितने बड़े एयरपोर्ट हैं वहाँ पर पैसेंजर को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है और सब कुछ मैनुअल मोड में चल रहा है सारे एयरपोर्ट. विशाल, विवेक, सगळंच काय मॅन्युअल मोडवरती या क्षणाला सुरू आहे, म्हणून अर्थातच याबद्दलच्या सूचना प्रवाशांना दिल्या जात आहेत का? म्हणजे तसे काय मेसेजेस SMS प्रवाशांना करण्यात आलेत का? बिल्कुल सही कहा विशाल आपने. देखिए जो पैसेंजर्स हैं उनको बकायदा मैसेज दिए जा रहे हैं, उनको अपडेट किया जा रहा है कि उनकी फ़्लाइट डिले है और अपने समय से वो बाहर निकलें, लेकिन जिस चीज़ को नहीं पता है वो एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं. देखिए अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, जो हम लोग जनरली जो टिकट लेके एंट्री गेट पर जैसे ISF के लोग होते हैं वो एंट्री होने के बाद असली जो परेशानी होती है आपको बोर्डिंग पास लेने के लिए होती है, क्योंकि बोर्डिंग पास जो होती है वो जनरली अगर आप जाएंगे टिकट लेने तो अपना स्कैनर जो टिकट होती है वो स्कैन होती है, स्कैन होने के बाद तुरंत बोर्डिंग पास सामने बनकर नज़र आ जाता है, लेकिन सिस्टम नहीं चलने की वजह से बोर्डिंग पास नहीं बन पा रहे हैं और जो बोर्डिंग पास है वो मैनुअली यानी कि हाथ से लिखकर बोर्डिंग पास दिए जा रहे हैं. सारे पैसेंजर्स हैं उनको भी बड़ी परेशानी हो रही है. कुछ पैसेंजर से हम बात करने की कोशिश करेंगे. सर ये बताइए आप लोगों से फ्लाइट डिले है कि कोई मैसेज आया कहीं से? सर जो आपकी फ्लाइट टाइम पर है तो बहुत सारे पैसेंजर्स उनको आइडिया भी नहीं है कि फ्लाइट डिले है नहीं, क्योंकि मेन दिक्कत मैंने आपको बताया कि जब अंदर पैसेंजर पहुंच रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अंदर जाने के बाद जब बोर्डिंग पास बनती है तो बोर्डिंग पास मैनुअली ऑपरेट किया जा रहा है. तो विशाल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई जैसे एयरपोर्ट जो देश के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है उस एयरपोर्ट में अगर मैनुअली हाथ से लिखकर सैकड़ों हजारों पैसेंजर अगर बोर्डिंग पास बन रहे हैं तो उसमें समय लग सकता है, इसलिए मैक्सिमम जो फ्लाइट है वो देरी से चल रही है. विशाल धन्यवाद विवेक इस पूरी जानकारी के लिए.